हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक करेंगे फिश फीड्स। बीएससी के हमने बहुत सारे टॉपिक आपको करवा दिए हैं फाइनल ईयर के, उसमें से नया टॉपिक है आपका फिश फीड। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो टॉपिक्स इसमें रहते हैं आपके फिशरीज के वो आपको मिल जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे फीड्स के बारे में। फिश फीड फिश को खाने के लिए क्या ज़रूरत होती है, फिश का लाइफ साइकिल कैसे हो। जो एक्वेटिक मीडियम होता है उस एक्वेटिक मीडियम के अंदर बहुत सारे फाइटोप्लैंकटॉन्स होते हैं, कुछ जूप्लैंकटॉन्स भी होते हैं बहुत सारे। वो फाइटोप्लैंकटॉन्स या उन जूप्लैंकटॉन्स को स्मॉल फिशेस खाती हैं। ये नेचुरली एनवायरनमेंट्स की बात हम कर रहे हैं जिसमें फाइटोप्लैंकटॉन्स और जूप्लैंकटॉन्स होते हैं। स्मॉल फिशेस को फिर मीडियम साइज की फिश खाती है, मीडियम साइज की फिश को बिग फिश खाती है। ये एक ट्रॉफिक लेवल सिस्टम होता है जो हमने फिश फूड चेन के अंदर भी पढ़ते हैं हम इन चीज़ों को, कि फाइटोप्लैंकटॉन्स के बाद स्मॉल फिशेस को और मीडियम साइज की फिशेस खाते हैं, मीडियम साइज की फिशेस को एज ए फीड बिग फिशेस लेती हैं। जब हम उनको नेचुरली एनवायरनमेंट्स में तो ये सब अवेलेबल है, लेकिन जब हम उनको कल्चर कर रहे होते हैं तब तो हमें उनको फिश फीड देना पड़ता है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कैसे उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, कौन से प्रोटीन्स कौन से वाइटामिन उसकी ग्रोथ को अच्छे से करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या उनको बाहर से फीड देना पड़ता है। तो उसके बेसिस पर हम टाइप्स पढ़ेंगे क्या होते हैं कैसे होते हैं देखते हैं। फिश फीड, फूड इज द मेन एलिमेंट्स फॉर द लिविंग ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल एनिमल्स के लिए हमें क्या है फूड की जरूरत होती है। जैसे और अदर एनिमल्स लेते हैं ऐसे ही फिशेस को भी क्या है सफिशियंट एंड न्यूट्रिशियस फीड की रिक्वायरमेंट्स होती है। किसके लिए, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड सर्वाइवल, उसकी अच्छे से ग्रोथ हो, उसका सर्वाइवल अच्छा हो, इसके लिए उसको फीड की जरूरत होती है। और वो फीड अच्छा भी हो, सफिशिएंट भी हो और न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, उसमें इसकी न्यूट्रिएंट्स सभी प्रोवाइड होने चाहिए। मैक्सिमम फिश प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ न्यूट्रिशियस फीड। अगर हम कल्चर करवा रहे हैं उसको अच्छे से फीड नहीं देंगे, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगा, तो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता है। इसलिए हम उसको क्या है अच्छे प्रोडक्शंस के लिए, अच्छा नंबर कलेक्ट करने के लिए, अच्छा वेट कलेक्ट करने के लिए उस फीड का, फिश का, तो हम बाहर से उसको फीड प्रोवाइड करते हैं और वो फीड न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस फीड्स फॉर द फिश आर प्रोटीन्स, उसमें हमें उसको प्रोटीन्स देने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं, फैट्स देने हैं, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर्स। हमें उस फूड के अंदर उसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल एंड वाटर सभी देनी है, उसको सभी के सभी प्रोवाइड होने चाहिए। ये हमारा जैसे एक्वा फीड दिखा रखा है फिश के लिए, या फिर कोई भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स श्रिम्स हैं, मलस्कंस हैं, पर्ल्स हैं, उनके लिए। तो ये इसका रेशियो, इसकी साइज दिखा रखा है 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 and 6 mm, तो उसके अकॉर्डिंग इसका साइज दिखा रखा है। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की फिशेज है, उसका हैबिट कैसी है फीडिंग की, उसके अकॉर्डिंग। There are three types of the food used in the fish products. ज़्यादातर हम अगर फूड की बात करते हैं तो कैसा कैसा फूड होता है, नेचुरल फूड होता है, सप्लीमेंट्री फूड होता है और कम्प्लीट फूड होता है। तो हम बात करते हैं फर्स्टली नेचुरल फूड। नेचुरल फूड इज फाउंड इन द नेचर, नेचुरली इन द पॉन्ड, नेचर के अंदर नेचुरली अपने आप मिलता है। जैसे डेटेटस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, प्लैंकटॉन्स होते हैं, वर्म्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स, वो सभी क्या है उस एक जो पॉन्ड है उसके अंदर वो क्या है नेचुरली अवेलेबल होते हैं। दिस अबंडेंस ग्रेटली डिपेंड्स ऑन द वाटर क्वालिटी, वाटर की कैसी क्वालिटी है उसमें उसका नंबर उसी के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है। पर्टिकुलर और इसको फर्टिलाइजेशन देना पड़ता है, फर्टिलाइजर्स बाहर से उसको सप्लाई करने पड़ते हैं। यू कैन यू हेल्प द प्रोवाइड ए गुड क्वालिटी ऑफ द नेचुरल फूड टू योर फिशेस, उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उसके फर्टिलाइजेशन के लिए, उसके प्रॉपर न्यूट्रिशंस गेन करने के लिए हमें उसको अच्छे सा फूड, उसकी सप्लाई, गुड सप्लाई होनी चाहिए उस फूड की, वो हम उसको फिश को प्रोवाइड करवाते हैं जो नेचर में अपने आप मिलते हैं, दैट इज नेचुरल फूड। सप्लीमेंट्री फीड्स क्या होते हैं, रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फिश इन ए पॉन्ड, जिसको हम बाहर से प्रोवाइड करते हैं सप्लीमेंट्री एडिशनल फूड, नेचर से अलावा जो हम बाहर से उसको प्रोवाइड करते हैं उस पॉन्ड के अंदर, वो होता है उसका सप्लीमेंट्री फीड्स। दे यूजली कंसिस्ट ऑफ द चीप मटेरियल लोकली अवेलेबल सच एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जैसे हम बाहर से उसको कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, किचन वेस्ट, एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स, वो प्रोवाइड करते हैं, दैट आर द सप्लीमेंट्री फीड्स।
कंप्लीट फीड्स में आल्सो भी रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, रेगुलरली हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दे आर मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ द केयरफुली सिलेक्टेड इंग्रीडियंट्स टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द फिश टू ग्रो वेल। हम उसको बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उस फीड के अंदर बाहर से जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कंप्लीट होना चाहिए प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, वो सभी क्या है उसको प्रॉपर ग्रोथ के लिए हम सारी चीजें बाहर से प्रोवाइड करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कंप्लीट फीड। दे मस्ट बी मेड इन ए फॉर्म विच द फिश फाइंड इजिली टू ईट एंड डाइजेस्ट। ऐसा फीड होना चाहिए जिसको फिश अच्छे से गेन कर सके और अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर सके। द फीड्स आर क्वाइट डिफिकल्ट टू मेक ऑन द फार्म एंड आर यूजली क्वाइट एक्सपेंसिव टू बाई। तो उसके लिए हमें ऐसा फीड जो होता है वो ज़्यादातर क्या होता है फार्म पर बनाना बहुत आसान नहीं होता है, और अगर हम बाहर से खरीदते हैं तो वो एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन फिर भी हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं कि कुछ नेचुरल फूड फीड प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ कंप्लीट फूड प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि उसकी हमें ग्रोथ बहुत अच्छी चाहिए होती है, जिसकी वजह से ही हमें उसकी बेनिफिट्स होंगे। द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन से कैन बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ फूड। कैसे फूड ले रहा है एक्सटेंसिव, द फिश प्रोडक्शन डिपेंड इंटायरली ऑन द नेचुरल फूड। एक्सटेंसिव अगर है तो उसमें सब फीड का जो प्रोडक्शन होगा उस उन फिशेज को बाहर से कोई भी फूड प्रोवाइड नहीं करवाया जाता, जो नेचर के अंदर नेचुरल पॉन्ड के अंदर जो प्रेजेंट है वो अपन उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेमी इंटेंसिव कि कुछ क्या है नेचुरल फूड होता है, कुछ सप्लीमेंट्री फीड करवाया जाता है, उनको बोलते हैं सेमी इंटेंसिव। मोर फिशेज मे बी रियर्ड इन द पॉन्ड, और इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ जो फूड है वो नेचुरल पॉन्ड के अंदर अपने आप बन गया है, नेचर से बना है, नेचुरली बना है, और कुछ क्या है हमने बाहर से प्रोवाइड करवा दिया है, सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड करवा दिया है, जिसकी वजह से उन फीड जो फिशेज हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और नंबर भी ज़्यादा होता है। इंटेंसिव में क्या होता है जब फिश प्रोडक्शन डिपेंड एंटायरली ऑन द कम्प्लीट फीड, बाहर कम्प्लीट का कम्प्लीट क्या हम बाहर से देते हैं। एंड द स्टॉकिंग रेट नो लॉन्गर डिपेंड ऑन द फूड अवेलेबिलिटी बट ऑन अदर फैक्टर्स सच एज द वाटर क्वालिटी। अब वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि उसके जो नंबर है उस फिशेज का, उस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि उसका फीड कैसा है, क्योंकि फीड तो सभी को बाहर से दे रहे हैं, वाटर की क्वालिटी डिपेंड करती है कि उसकी नंबर ग्रोथ कैसा होगा। ये देखो ये होते हैं छोटे छोटे से माइक्रो एल्गीज, फिलामेंटस जिसको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंकटन फीडर्स, ये डिपेंड करता है कि किसको वो जो फिशेज हो किसको खा रही हैं उसके अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी फीडिंग हैबिट्स कैसी हैं, वही हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे सिल्वर कार्प होती है ये फाइटोप्लैंकटन को फीड करती है, ग्रास कार्प होती है ये प्लांट्स को फीड करती है, जो छोटे छोटे से समर्स्ड इमर्स्ड प्लांट्स होते हैं। रोटिफर्स ये थे तो ये हैं हर्बीवोर्स जो प्लांट्स को खा रही हैं, जैसे अब है बिग हेडेड कार्प्स हैं वो क्या करती हैं कॉपीपॉड्स और क्लेडोसीरास या फिर रोटिफर्स इनके ऊपर फीड करती हैं, तो हम बोलते हैं इनको जूप्लैंकटन फीडर्स या फिर ओमनीवोर्स, कुछ प्लांट्स को भी खाती हैं ये। वॉर्म इंसेक्ट लार्वा स्नेल्स के ऊपर जो फीड करती हैं कॉमन कार्प, जिसको हम बॉटम फीडर भी बोलते हैं, कॉलम में भी सबसे डाउन में फीड करती है ये वाटर के अंदर, तो ये क्या है ओमनीवोर्स, जो सिर्फ और सिर्फ क्या है फिश फ्रॉग्स और इंसेक्ट स्मॉल फिशेज के ऊपर फिश फीड करती है, जैसे कैट फिशेज होती हैं ये होती हैं, इनको हम प्रेडेटर्स भी बोलते हैं और कार्निवोर्स फिशेज भी बोलते हैं। तो इसके बेस पे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज हर्बीवोर्स, व्हाट इज ओमनीवोर्स एंड व्हाट इज कार्निवोर्स फिशेज। एंड एग्जांपल ऑफ दैट हर्बीवोर्स में हम सिल्वर फिश और ग्रास कार्प ले रहे हैं, ओमनीवोर्स में हम कॉमन कार्प और बिग हेडेड कार्प्स ले रहे हैं, कैट फिशेज क्या आती हैं हमारी कार्निवोर्स के अंदर आती हैं। प्रेडेटर किसको हम बोलते हैं क्यों बोलते हैं, प्रेडेटर क्या होता है जो स्मॉल लिविंग के ऊपर फीड करता है और अपने से स्मॉल साइज के ऊपर फीड करता है, तो ये सारे क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये बिहेवियर है इनका कि कैसे हर्बीवोर्स ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स फिशेज होती है। नेचुरल फूड फॉर द फिश, नेचुरल फूड कैसा होता है, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ द नेचुरल फूड्स। नेचुरल फूड के अंदर हमने जैसे बात की प्लांट्स और एनिमल्स दो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, जो स्केल साइज से कम होते हैं जो इजीली फीड कर सकते हैं। दे रेंज फ्रॉम ए माइक्रोस्कोपिक टू द रिलेटिवली लार्ज साइज, ये रेंज पे डिपेंड करता है, छोटे भी हो सकते हैं थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि जिनको वो खा ना सके। दे में भी अलाइव और डेड, वो जिंदा भी हो सकते हैं वो मृत भी हो सकते हैं। एंड अवेलेबल फ्रॉम द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, बैक्टीरिया के डिकम्पोजिशन की वजह से अवेलेबल फूड भी हो सकता है।
दे आर जनरली प्रेजेंट इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द फूड. ये क्या करती हैं, बहुत से पॉन्ड के अलग अलग जगह पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे रूट है, रूटेड हाई प्लांट्स भी हो सकते हैं, कुछ प्लैंकटॉन्स भी हो सकते हैं, कुछ बेंथिक मटेरियल भी हो सकते हैं. जो बेंथिक वो होते हैं जो बॉटम के साथ लगे हुए होते हैं, जैसे सब वॉर्म्स हैं, इंसेक्ट्स लार्वा है, स्नेल्स है, वो सब. कवरिंग द सरफेस ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगे हुए भी हो सकते हैं. कुछ इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, फ्रॉग, फिशेस, जिनको हम नेक्टॉन्स बोलते हैं. तो ये सारे क्या है, नेचर के अंदर अवेलेबल होते हैं. ये फील्ड क्या है, प्रेजेंट होता है. अब हम बात करते हैं कि हर्बीवोर्स और इन सब के बारे में, कि एडल्ट फिशेज हैं वो कैसे फीड कर रही हैं, कैसा फीड कर रही हैं, उसके डिपेंड करता है. हर्बीवोर्स क्या होती हैं, जो प्लांट मटेरियल के ऊपर फीड करती हैं. प्लांट मटेरियल में क्या हो सकते हैं, फाइटोप्लैंकटॉन्स और हायर प्लांट्स. फाइटोप्लैंकटॉन्स में एग्जाम्पल क्या है, चाइनीज सिल्वर कार्प, जो हमने उसके अंदर स्लाइड में भी दिखाई आपको लास्ट स्लाइड के अंदर. हायर प्लांट्स में क्या है, तिलापिया, ग्रास कार्प एंड द एशियन सिप्रिनॉइड्स पंपियस. ये क्या होती हैं, ये फिशेज के नाम हैं जो हायर प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं और हर्बीवोर्स होती हैं. ओमनीवोर्स में क्या होता है, मिक्सचर है जो नेचुरल फूड का भी लेती हैं और क्या करती हैं वो कुछ फूड बाहर से भी लेती हैं, जैसे जू प्लैंकटॉन्स जो खाती हैं, चाइनीज बिग हेडेड कार्प्स होती है, बॉटम के ऊपर फीड करती है जो कॉमन कार्प होती है, बॉटम डेटिटस जो डेट के ऊपर काम करते हैं वो मृगल होती है, या फिर इंडियन सिप्रिनेट्स हो सकती है. फाइटोप्लैंकटॉन्स के ऊपर नील तिलापिया हो सकती है, फ्रूट एंड सीड्स के ऊपर साउथ अमेरिकन कोलोसोमा हो सकती है. ये इसके क्या है, एग्जांपल होती है. कार्निवोर्स में क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करती है, टैडपोल लार्वा के ऊपर फीड करती है, फ्रॉग्स के ऊपर, स्मॉल फिशेस के ऊपर करती हैं, तो उसके एग्जांपल क्या है, ट्राउट होती है, कैटफिशेज होती है, अफ्रीकन क्लैरियस होती है एंड एशियन पेंगियस होती है. तो ये फिशेज क्या है, इसकी अलग अलग होती हैं जो हमने एक स्लाइड के अंदर भी देखी हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, और इनमें आपको इससे ज़्यादा के एग्जाम्पल्स बता रखे हैं कि कौन से जूप्लैंकटॉन्स के ऊपर स्पेसिफिक फीड करती हैं. इनमें से आपको कम से कम दो हर्बीवोर्स, दो ओमनीवोर्स और दो कार्निवोर्स फिशेज के साइंटिफिक नेम आपको याद करने हैं. ये देखो, ये मैं आपको बता रही हूँ इसके अंदर कि जो अपर लेयर के ऊपर फीड करती हैं फिशेज, दैट इज द सरफेस फीडर. जो बीच में करती हैं दैट इज द कॉलम फीडर. जो बिल्कुल नीचे होती हैं दैट इज द बॉटम फीडर. ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो मटेरियल होता है वो स्पेसिफिक होता है. ये फिशेज इसी रेंज में ही रहती हैं, ये यहीं पर फीड करती हैं. सरफेस फीडर वाले सरफेस के ऊपर ही फीड करेंगी, लोअर की है जो बॉटम फीडर है वो बॉटम पे ही फीड करेंगी. तो इसके बेसिस पर भी हम अलग अलग तरीके से अलग अलग तीन तरह की स्पीसीज को एक ही साथ कल्चर कर सकते हैं. जैसे सरफेस फीडर है वो कॉलम वाले को कोई डिस्टर्ब नहीं करती, कॉलम वाली है जो वो बॉटम वाले को डिस्टर्ब नहीं करती है. तो हम इस तरीके से अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग फिशेज को कल्चर कर सकते हैं. अब इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं फिश को बनाने, फिश फीड को बनाने के लिए. फिश मील्स हो सकता है, राइस ब्रैन होते हैं, श्रिम्प ब्रैन होता है, व्हीट ब्रैन होता है, सोयाबीन केक होते हैं, कॉटन सीड केक होते हैं, ड्राइड पोटैटो हो सकते हैं. इन सब को यूज करके हम उसका जो फीड है वो तैयार करवा सकते हैं बाहर से. ये देखो, फिश मील, बोन मील, ऑयस्टर शेल मील भी हो सकता है, सोयाबीन के इंग्रीडियंट्स हो सकते हैं, मेज ब्रैन, राइस पॉलिश, व्हीट ब्रैन, मस्टर्ड ऑयल केक, इन सबको क्या है हम एज ए फीड फिश को प्रोवाइड करवाया जाता है. इनके रेंज के, इसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है फिश फीड को अलग अलग डिवाइड किया गया है. ये चीज़ें इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हमने किस तरीके की फिश को कल्चर किया है और वो फीड कैसा लेती है, या फिर उसकी स्टेज कैसी है. जुवेनाइल स्टेज है, एडल्ट स्टेज है, फिंगरलिंग्स है, फ्राई है, उस टाइम पर उनका फीडिंग क्या हो सकता है. अगर हम जुवेनाइल या फ्राई के टाइम पर 5 mm की देंगे तो उसको फीड नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके माउथ का साइज ही नहीं होता इतना. तो वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है. ये आपको साइज दिखा रखा है, 1 mm में ऐसा दिखाई देगा, 2 mm में ऐसा दिखाई देगा, 3 का इतना है, 5 दिस वन एंड 2 mm क्रम्बल शेप इस तरीके का होगा, क्रम्बलिंग में जो तोड़ दिया जाता है, क्रम्बलिंग. तो इस तरीके से क्या आपको यूज करके फिश फीड प्रोवाइड करवा सकते हैं. अब उसको प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, फर्स्ट क्या करेंगे, हमने इनमें से जिसको भी लेना है ये रेशियो लिया जाता है उसके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के रेशियो में, कि किसके पास कितना कार्बोहाइड्रेट है, किस प्रोटीन है, या फिर उसको हम ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करवा रहे हैं फिश को, या फिर ज़्यादा फैट प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है. फर्स्ट वन इज द ग्राइंडिंग ऑफ इंग्रेडिएंट. सबसे पहले हमने जो भी मटेरियल लिया है, जो भी फिश फीड लेना है, उसको हम ग्राइंड करेंगे. फर्स्ट थिंग यू विल ऑल डू ड्यूरिंग द प्रोसेस फिश फीड फॉर्मुलेट इज टू द मेजर ऑल द रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रेशियो एंड ग्राइंड देम वन आफ्टर द अदर.
हम सबसे पहले उसका रेशियो डिफाइन करेंगे कि हमें कितना कितने ग्राम ये लेना है, इसको किसके साथ मिक्सिंग करके लेना है। उन सब चीज़ों का मिक्स करने के बाद पहले हम क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे उनको। ग्राइंडिंग के बाद उनकी मिक्सिंग करेंगे, पहले उनको अलग अलग ग्राइंड किया, उसके बाद उनको क्या किया, मिक्सिंग किया गया अल्टरनेटिवली। उसके बाद उसके अंदर क्या करेंगे, हम ऐड वाटर एंड द ऑयल टू द मिक्सचर। वॉर्म योर ऑयल, जो ऑयल हम ले रहे हैं उसको पहले वॉर्म किया जाता है। एड इट टू द मिक्सचर एंड मिक्स एवरीथिंग एज 5 मिनट्स के अंदर हम उसको क्या है, मिक्स कर देते हैं उसके अंदर, चाहे वाटर के साथ मिलाएं हम, चाहे उसको ऑयल के साथ मिलाएं। देन ऐड वाटर ए लीटर पर टाइम्स, मिक्स इट विद द मिक्सचर अंटिल इट फॉर्म ए मैश। वो अलग अलग ना हो जाए, उससे पहले ही हम उसको क्या है, मैशअप कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, उसको बाइंड करवाने के लिए। तो उसमें ऑयल और वाटर उसके बाद ऐड किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, प्रोसेस द फिश मैश इन ए पैलेट मशीन। पैलेट्स क्या होते हैं, ड्रॉपलेट्स, इस तरीके से सेवैयाँ होते हैं ना, जिस तरीके से उस तरीके से फॉर्मेशन जो होती है उनको हम पैलेट्स बोलते हैं। तो उस मिक्सचर को आप क्या करते हैं, फिश फीड के मिक्सचर्स को, पुट द मिक्सचर ऑफ द फिश फीड मैश इन टू द पैलेट मशीन सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड इन टू ए पैलेट, कि वो पैलेट्स में बन जाए। साइज ऑफ द पैलेट इज विल बी डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द फिश। उनका साइज इस बात पर डिपेंड करता है कि वो फिश कैसा फीड खा सकती हैं या फिर कैसा फीड खाने में लिए वो एबल है। बाद में क्या किया जाता है, उसको उस फिश फीड पैलेट्स को ड्राई किया जाता है। आफ्टर द फिश फीड मैश हैज बीन फॉर्मड इनटू पैलेट्स द नेक्स्ट थिंग इज टू ड्राई इट। उसको हम ड्राई करेंगे बेस उसका किसके लिए, क्योंकि उसका जो मॉइस्चर है वो रिड्यूस हो जाए, लंबे टाइम तक हम उसको स्टोर करके रख सके। पैलेट्स शुड बी ड्राइड अंडर ए लोअर टेम्परेचर देन दैट इज लेस देन द 60 डिग्री। 60 डिग्री से लेस टेम्परेचर पे हम उसको क्या है ड्राई कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज हाई टेम्परेचर कैन डिस्ट्रॉय द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फीड। तो हाई टेम्परेचर पे न्यूट्रिएंट्स क्या है, डैमेज हो जाते हैं। बाद में उसको क्या है, पैक कर देते हैं लंबे टाइम तक उसको यूज करने के लिए। लास्ट स्टेप क्या, आफ्टर ड्राइंग द पैलेट्स इज टू पैकिंग दैम इन टू ए बैग और ए कंटेनर फॉर द फर्दर स्टोरेज, आगे स्टोर करने के लिए हम उसको पैक कर देते हैं। This is because plastic bags generate heat, which can cause mold to grow inside the feed. इसको बचाने के लिए हम प्लास्टिक बैग्स का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स के अंदर क्या होता है, हीट जनरेट होती है, जिससे क्या है जो फफूंद होती है, मोल्ड्स जो होती है वो उस फिश फीड को खराब कर सकती है या फिर एज ए पॉइजन उसको डैमेज कर सकती है। तो इस तरीके की होती है पैलेट्स, इनको बोलते हैं हम फॉर्मेशन के बाद पैलेट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपके लिए फिश फीड में इतना ही टॉपिक था। जिसको कोई भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना।